नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी लखनऊ में ग्रे कॉम्प्लेक्स के पीछे प्रशासन की लापरवाही और मौका परस्ती की, अखिलेश यादव के राजनीतिक महाप्लान की और देश में रची जा रही ट्रेन हादसे की साजिश की। साथ ही आज की देश दुनिया में क्या कुछ खास हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 69,000 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया था। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को फिलहाल स्थगित करने के आदेश और दोनों पक्षों से जवाब मांगने पर योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा? विधि विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक के मुताबिक कानूनी दृष्टिकोण से सरकार का अगला कदम हाई कोर्ट के फैसले का गहन अध्ययन करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति को और स्पष्ट करना हो सकता है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान पर कोर्ट ने दिया फैसला। ईडी ने अमानतुल्ला खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले के मामले में अमानतुल्ला खान 7 दिन ईडी रिमांड में रह चुके हैं। ईडी ने कहा कि मामले में जांच अभी जारी है, वह जल्द मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर अमानतुल्ला खान को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा गया तो गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। पीएम मोदी के साथ यूएई के क्राउन प्रिंस की द्विपक्षीय वार्ता। भारत और यूएई के बीच ज्यादातर समझौते परमाणु ऊर्जा और नेचुरल गैस की आपूर्ति को लेकर हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। बिहार में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, खराब प्रदर्शन वाले हो सकते हैं ड्रॉप। बिहार में जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल व विस्तार हो सकता है। मंत्री परिषद में जेडीयू बीजेपी हमको मिलाकर कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें सीएम नीतीश, दोनों डिप्टी सीएम एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा 36 है। 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनका प्रदर्शन खराब है उनको ड्रॉप किया जा सकता है। शानदार तेजी के साथ बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार रहा। बाजार बंद होने पर बीएसई सेंसेक्स 375 अंकों की तेजी के साथ 81,559 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 84 अंकों के उछाल के साथ 24,936 अंकों पर बंद हुआ है। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो दिखा देते हैं। देश दुनिया में जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए माता पिता अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। बेटियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा के लिए पेरेंट्स अलग अलग कदम उठाते हैं। पाकिस्तान के एक पिता ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया जो सभी को हैरान कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की को अपने सिर पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए देखा जा सकता है। आप भी देखिए वायरल वीडियो। मेरे व्हाट्सएप ने ये लगाया, मैं किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनको हर चीज बताती हूँ। आपको आपने मना नहीं किया उनको? नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते जी? यानी कि कैमरे के थ्रू आपके सिक्योरिटी गार्ड आपके वालिद साहब ही माशाल्लाह जी। अच्छा, उन्होंने आपके सामने मेन पॉइंट ये रखा है कि लड़की को कोई भी बातों में बिला फुसला कर गलत ट्रैक पे लेके जा सकते जी? बड़ी बात है। ये आपको पता होगा, ये कराची में जो वाकया है, पेश आया, वहाँ बेटी को मार के चले गए एक अमीरजादी, तो वो प्रूफ तो नहीं ना ढूंढेंगे, तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने लगाया। आपको भी कोई मार सकता है, कुछ भी करके जा सकते जी। देखा जाए तो ये लड़की पाकिस्तान की है, लेकिन जिस तरह से बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है हर माता पिता अपनी बेटी के साथ यही करना चाहेंगे। मगर सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में ये करना सही है? पुरुषों की गंदी मानसिकता के चलते बेटियों के सिर पर बोझ क्यों रखा जाए? क्यों बेटियों को हर कदम एक साय में रखा जाए? क्यों इस समाज में बेटियों के लिए आजाद घूमना गुनाह हो गया है? बेटियों के सिर पर कैमरा नहीं बल्कि हैवानों पर लगाम लगाने की जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे आज की खास रिपोर्ट्स की ओर। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम करीब 5 बजे 3 मंजिला
इमारत ढहने की घटना में 3 और लोगों की मौत के साथ इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। हादसे में 29 लोग घायल हुए। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला हरमिला टावर गिरने के बाद एलडीए ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स के मालिक की लापरवाही से ऐसा हुआ, जबकि एक सच ये भी है कि एलडीए ने खुद नक्शा पास किया था। फिलहाल इस इमारत का एक हिस्सा गिरने के बाद रविवार को एलडीए ने दूसरा हिस्सा सील कर दिया। कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर में कॉम्प्लेक्स के मालिक राकेश सिंगल ने रुपए बचाने के चक्कर में इमारत में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया था। आपको बता दें, मुकदमा दर्ज कराने वाले दरोगा महेश कुमार ने इसे अपनी तहरीर में लिखा भी है, मगर जैसे हर कहानी के दो पहलू होते हैं वैसे ही हर घटना को एक नजरिया से नहीं देखा जा सकता। अगर सवाल कॉम्प्लेक्स मालिक राकेश सिंगल पर उठ रहे हैं तो सवाल तो प्रशासन पर भी उठेंगे। तो सवाल है कि हमेशा प्रशासन तभी क्यों जागता है जब कोई हादसा हो जाता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स गलत तरीके से बना था तो कैसे विभागों को इसकी जानकारी नहीं मिली? सरकारी कॉम्प्लेक्स नहीं तो कोई अपना ही कॉम्प्लेक्स घटिया क्यों बनवाएगा और खुद का ऑफिस और गोडाउन भी उसी बिल्डिंग में क्यों खोलेगा? अगर कॉम्प्लेक्स घटिया था, हादसे से पहले प्रशासन और विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी? कॉम्प्लेक्स मालिक का भी हुआ करोड़ों का नुकसान, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। देखा जाए तो इस हादसे में कई लोगों की जाने गई, वाकई ये अफसोसजनक है, लेकिन केवल मालिक को दोष दिया जाए ये भी गलत होगा। वैसे भी अगर लखनऊ की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स मालिक राकेश सिंगल का समाज सेवा में अपना एक अलग नाम है। वो लोगों की लगातार मदद करते रहते हैं। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उत्साहित दिख रहे हैं। उनका अलग लक्ष्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव पर है। आपको बता दें, इसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, इनमें 4 सीटें लोकसभा में जीत के बाद खाली हुई हैं। अखिलेश यादव इस चुनाव में जीत के लिए सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर कर रहे हैं। इसी क्रम में उनके निर्देश पर समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों द्वारा 9 अगस्त क्रांति दिवस से 10 सितंबर 2024 तक देशव्यापी छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान में कुछ प्रमुख बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे वर्तमान सरकार छात्र छात्राओं और नौजवानों की दुश्मन है, पढ़ाई महंगी है, नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं, निर्दोष युवाओं को जाति देखकर गोली से मारा जा रहा है, सपा सरकार में छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप, कन्या विद्या धन जैसी तमाम योजनाएं थीं, जो आज वर्तमान सरकार ने उन्हें बंद करने का काम किया है। यानी कि युवाओं को भरोसा दिया जा रहा है कि हर दुख दर्द को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ है। सपा इतनी एक्टिव है कि बरेली से बनारस तक सिर्फ एक दिन का ग्राउंड वर्क ऐसा है कि जो जानेगा हैरान रह जाएगा। भदोही में छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता सदस्यता अभियान तो वहीं औरैया में छात्र सभा की संगोष्ठी की गई, तो वहीं शाहजहानपुर में अखिलेश की नीतियों का प्रचार किया गया, तो सीतापुर में लोहिया वानी ने छात्रों को जागरूक किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने युवाओं को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी है। अखिलेश यादव के इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिल्हौर रेलवे स्टेशन के पास कालिंदी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने पटरी पर अज्ञात लोगों की ओर से रखा गया रसोई गैस सिलेंडर देकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया। इससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रेन प्रयागराज से भिवानी जा रही थी। गनीमत रही कि सिलेंडर इंजन में फंसकर फटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक आपातकालीन ब्रेक लगने से ट्रेन पटरी से उतर सकती थी। घटना स्थल के पास क्षतिग्रस्त सिलेंडर के अलावा पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस सहित कई संदेशात्मक चीजें भी बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है।
रेलवे की पटरियों पर इस तरह की साजिश ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में पटरियों से ट्रेन की उतरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन पिछले महीने अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 20 डिब्बे 17 अगस्त को झांसी रेलवे मंडल के कानपुर और भीमसेन जंक्शन के बीच पटरी से उतर गए थे। ये दुर्घटना भी कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से पटरियों पर रखी गई भारी वस्तुओं से टकराने के बाद हुई थी। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें रेलवे की पटरियों पर पत्थर, लोहे की रॉड से लेकर सीमेंट ब्लॉक रखते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो भारतीय रेल को पटरी से उतारने की साजिश रच रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कांग्रेस पर सीधा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि साजिश के पीछे कांग्रेस टूलकिट है। सिंह ने कहा कि ये गोधरा कांड को दोहराने की साजिश है, ये सहयोग नहीं है, प्रयोग है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि ये रेलवे की चूक नहीं साजिश है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर वार किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हाथ से साजिशों को आप नहीं रोक पा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये सवाल है हजारों जिंदगियों का। इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति का नहीं, इंसानियत का है और देश की रक्षा का है। फिलहाल ये थी खबरें अब तक की कुछ खास रिपोर्ट्स। इसके अलावा आज राजनीति में और दुनिया में और देश में क्या कुछ खास हुआ, आइए आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाई प्रोफाइल बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसियों की ओर से दायर की गई चार्जशीट में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। NIA की चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आतंकी संगठन ISIS सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर हमले की तैयारी में था। वहीं आज महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र गठबंधन सरकार के घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीट बंटवारे समझौते पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से 69,000 सहायक शिक्षकों की नई लिस्ट तैयार करने को कहा था। वहीं मणिपुर में हिंसा की नई लहर के बीच कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री NBIREN सिंह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। विपक्षी पार्टी ने केंद्र सरकार से संवेदनशील सुरक्षा स्थिति की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के नवन्ना सभागार में सभी DM और SP के साथ एक प्रशासनिक बैठक की। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मृतक चिकित्सकों के परिवार को सभी पैसों की पेशकश नहीं की, ये बदनाम करने के अलावा कुछ और नहीं है। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मगर जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का चुनाव पूर्व गठबंधन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी यहां अकेले लड़ रही है, कुछ निर्दलीय उनके साथ हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जम्मू रीजन में बहुत अच्छा प्रभाव है, कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का असर कम है। ऐसा समझा जाता है कि कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोर है, पहले भी ये था और अब भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से समझौता इसलिए किया है ताकि जम्मू रीजन की कुछ सीटें कांग्रेस हासिल करने में कामयाब हो गई तो नेका को सरकार बनाने में मदद मिल सकती है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, यहां सबसे बड़ा मुद्दा अनुच्छेद 370 ही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान 370 हटाने का श्रेय ले रही है। उसका कहना है कि अनुच्छेद अब इतिहास हो चुका है, इसकी वापसी कभी नहीं हो सकती। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी के लोगों की भावनाओं को भुनाने के लिए कह रही है कि वो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करवाएगी। जम्मू रीजन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पसंद आ रहे हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला इस वक्त अफजल विवाद में घिर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि अफजल को फांसी देना गलत है, चूंकि अफजल संसद में हमले का जिम्मेदार था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर साफ कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आतंकवादियों से मिली हुई है या उनकी तरफदारी कर रही है और कांग्रेस उसकी साथी है। ऐसे में लोगों को तय करना चाहिए कि वे देश प्रेमियों के साथ हैं या देश द्रोहियों के साथ हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए यह फैसला बहुत बड़ा होने वाला है,
क्योंकि इस बार उनके पास मौका है देशभक्ति साबित करने का, और वो इसमें कितना कामयाब होते हैं और कितना चूकते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल जाते जाते आपको हम छोड़ जाते हैं आज के उस सुविचार के साथ। कभी हार न मानने की आदत ही आपकी एक जीत का कारण बनती है।